हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीटाडीन पाउडर के बारे में। ये एक एंटीसेप्टिक पाउडर है जो कि जख्म और खरोच घाव सुखाने में यूज की जाती है। और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम से यूज कर सकते हैं, क्या इसके प्राइस है, कैसे यूज करना है और क्या इसका साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये है बीटाडीन पाउडर जो कि विन मेडिकेयर कंपनी की है और इसके प्राइस की बात करें तो ₹109 है जो कि 10 ग्राम के पैक में अवेलेबल। चलिए अब हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं पोविडोन आयोडीन पाउडर 5% WOW। दोस्तों बीटाडीन पाउडर जो कि एंटीसेप्टिक पाउडर है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है और जख्म सुखाने में ज़बरदस्त रिजल्ट है इस पाउडर का। चलिए अब हम बात करते हैं किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं हम बीटाडीन पाउडर को। नंबर 1, दोस्तों ये एक एंटीसेप्टिक पाउडर है जो कि हमारे स्किन में कई तरह के बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो उसको किल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए यूज कर सकते हैं इस पाउडर को। नंबर 2, बॉडी में कहीं पर जख्म या घाव हो जाए तो उसमें यूज कर सकते हैं, कुछ ही दिनों में आपको ये सही हो जाएगा। नंबर 3, जलने वाले जख्म में अगर दोस्तों कहीं पर गर्म पानी से या आग से जल गया हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं इस बीटाडीन पाउडर को, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है, कुछ ही दिनों में ये भी सही हो जाएगा आपके इसको यूज़ करने से। नंबर 4, बच्चों में, दोस्तों छोटे बच्चों में इन्फेक्शन हो जाते हैं जैसे कि नाभि पर पानी निकलते हैं या अदर्स इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो अन्य प्रकार के भी इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं और बच्चों को यूज करवा सकते हैं इस पाउडर को। नंबर 5, अगर कहीं पे कट गया हो या खरोच लग गया हो या छिल गया हो तो उसमें भी यूज कर सकते हैं बीटाडीन पाउडर को, उसमें भी काफ़ी फायदे हैं। तो दोस्तों इन सभी प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं बीटाडीन पाउडर को, चाहे आपको खरोच हो या जख्म हो या बैक्टीरिया इन्फेक्शन लग गया हो या अदर कोई इन्फेक्शन हो बॉडी में, तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ ही दिनों में ये आपको सही कर देगा, अच्छा रिजल्ट है इस पाउडर का। चलिए अब हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में, यूज़ कैसे करें। तो दोस्तों सबसे पहले आप इफेक्टिव जगह को सही से साफ कर लें, कॉटन से या और किसी चीज़ से, उसके बाद उसको सुखा लें। सुखाने के बाद आप इस पाउडर को छिड़के उस पर। दोस्तों ये बात ध्यान रखें आप कि उंगली ना लगाए उसमें, मतलब हाथ से इस पाउडर को ना लगाएं, दूर से छिड़क सकते हैं इसको। और इस पाउडर को आप दिन में 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं रोज। चलिए अब हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में। अगर ये आप पाउडर यूज कर रहे हैं तो ये बातें ध्यान रखें। नंबर 1, इस पाउडर को एक्सटर्नल यूज करें, मतलब बाहरी यूज करें। नंबर 2, यूज करते वक्त, पहले मैं बता चुका हूँ आपको, फिर बता रहा हूँ, इस पाउडर को हाथ ना लगाएं, मतलब हाथ से ना लगाएं, दूर से ही छिड़के इस पाउडर को इफेक्टिव जगह पर। और नंबर 3, यूज करने से पहले डॉक्टर से एडवाइस सलाह जरूर ले लें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों अदरवाइज किसी को सूट ना करें, ये देख सकता है जैसे कि जलन, रैशेज और रेडनेस। अगर दोस्तों इनमें से कुछ भी हो तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, क्योंकि ये समझ जाएं कि आपको ये पाउडर सूट ना कर रहा है, तो इसका यूज़ करना बंद कर दें और किसी डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो बीटाडीन पाउडर के बारे में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।